चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। देश भर के साथ प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंडी सेरी मंच पर आयोजन मंत्री कर्ण सिंह ने ली परेड की सलामी। बहादुरी के लिए प्रफुल शर्मा को किया गया सम्मानित। बिना ड्राइवर बस रोक कर दिखाया था साहस। चार दशक बाद भी ठीक से नहीं हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फ ना पड़ने से पर्यटक हुए मायूस। और मंडी में संगतों ने धूमधाम से मनाया गुरुदीप सिंह का आगमन दिवस। संगतों ने कार्यक्रम आयोजित कर याद की गुरु की कुर्बानियां। शिमला में गणतंत्र दिवस के मौके पर शानदार जश्न मनाया गया। ऐतिहासिक रिज मैदान पर सुबह 11 बजे से समारोह का आगाज हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ध्वजारोपण कर समारोह की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर शिमला में सीएम वीरभद्र ने परेड की सलामी ली। इसमें सेना के जवानों ने एक के बाद एक अपनी टुकड़ियों में मार्च पास्ट किया। इसमें डोगरा रेजिमेंट, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिला पुलिस और यातायात पुलिस के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इसके अलावा होमगार्ड की महिला और पुरुष टीमों ने भी मार्च पास्ट किया। वहीं वन विभाग और वन विभाग बैंड फायर सर्विस की टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड में शामिल कैडेट्स ने भी जबरदस्त मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट सलामी के बाद रिज मैदान पर एक के बाद एक 29 सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और मंडी के कलाकारों ने अपनी अपनी वेशभूषा में शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा हरियाणा के नर्तकों ने भी प्रस्तुति देकर वाहवाही लुटी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह को देखने के लिए सुबह 9 बजे से ही रिज मैदान पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान यहां आने वाले सभी लोगों की चेकिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मंडी के सेरी मंच पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह ने अध्यक्षता की और समारोह के दौरान राष्ट्र ध्वज फहराया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में करण सिंह ने कहा कि 26 जनवरी के दिन वर्ष 1950 को संविधान लागू होने पर देश गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में सबसे विस्तृत संविधान है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों, अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तथा सभी प्रदेशवासियों के साथ उनका सामना करता हूँ। 26 जनवरी 1950 के शुभ दिन हमारे देश ने अपने संविधान को अपनाया, इसके साथ भारत से कब्जा नहीं करता था बना और आज हम जो दिग्गज थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको भी नहीं भूल सकते कि जिन्होंने संविधान का शुरुआत की। भारत का संविधान हमारे देश को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है तथा सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के सम्मान प्रदान करता है। आज पावन अवसर हमें आत्मविश्व का अवसर प्रदान करता है और एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा कैसी रही, इस अवधि में हमने क्या खोया, क्या पाया। आज का दिन देश एकता एवं अखंडता को
आयुर्वेद मंत्री करण सिंह ने 3 वर्षों में प्रदेश में हुए विकास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष पूर्व सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार की नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। इनमें किए गए अधिकांश वायदे पूरे किए गए हैं। प्रदेश में विकास के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ की गई नई कोठरी है। आज हिमाचल प्रदेश को केवल देश में महत्वाकांक्षी मंच पर पर्वतीय विकास आदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार आदि मुख्यमंत्री श्री भीष्म जी के कुछ में आगे काल में 3 साल पूरे कर लिए। संभालने के बाद पहले दिन कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। इसके लिए अधिकांश वायदे पूरे किए गए हैं और पूरे किए जाएंगे। और सभी उनके सिपाहियां जो मंत्रिमंडल हैं, सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता के विकास। आयुर्वेद मंत्री करण सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह किया गया। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना आय सीमा 1100 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3,39,921 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की कौशल विकास भत्ता योजना आरंभ की है। योजना में पात्र युवाओं को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 1,07,887 युवा लाभान्वित हुए हैं। समाज को 4.5 रुपए से बढ़ाकर 450 दे गया। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना आय सीमा 1,100 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 3,29,921 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। निराधार युवकों को कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की कौशल का भत्ता योजना आरम्भ। योजना पात्र युवकों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवकों को 1,500 रुपए प्रति माह भत्ता। योजना के अंतर्गत 1,07,887 युवा लाभान्वित हुए। सरकारी स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को परिवार निगम की मौसम कैसे स्कूल तक जाने की निःशुल्क यात्रा। राजीव गांधी निशुल्क विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 10 से 12% में अध्यापकों का अध्ययन 2 वर्ष में 12,500 प्रदान किए गए। इस वर्ष 10,000 निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। 900 स्कूल खोले गए, दर्जा पढ़ाई गया, 25 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। करण सिंह ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी पुरस्कृत किया। इससे पूर्व करण सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, केचरल मंडी। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडी में आयोजित समारोह में लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल सरकाघाट में पढ़ने वाले प्रफुल्ल शर्मा ने बिना ड्राइवर बस को रोककर बस में बैठे बच्चों की जान बचाई थी, जिसके चलते प्रफुल्ल शर्मा को शेरी मंच मंडी में गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो इस प्रफुल्ल शर्मा ने जो है
बस को ब्रेक लगाकर उसे संभाला और अपने साथ ही अपने लगभग 1.5 दर्जन छात्रों की जान बचाई। जोरदार तालियां इस नन्हे वीर के लिए। प्रफुल्ल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके पापा ने उन्हें गाड़ी से संबंधित जानकारी दी हुई है, जिसके चलते उन्होंने स्कूल बस को ब्रेक लगाकर रोका था और अपने दोस्तों की जान बचाई थी। गाड़ी को कैसे रोकते हैं बताइए? मेरे पापा ने मेरे को बता दिया, अभी सेंटर में होती है ब्रेक। उस दौरान क्या किया फिर आपने? मेरे दिमाग में ये चल रहा, अभी गाड़ी को कैसे रोकूं, फिर मैंने ब्रेक लगाई। हेलो, आप अपने फ्रेंड्स की भी जान बचाई उस दौरान, आपने कैसा लगा आपको उस दौरान? वहीं बेटे के साहसी कार्य की तारीफ करते हुए नरेश कमल भारद्वाज ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है और उनके बेटे ने बहादुरी का परिचय दिया है। प्रफुल्ल के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने स्कूल की बस को ब्रेक लगाकर रोका था। उन्होंने बताया कि यदि उनका बेटा समय रहते ब्रेक नहीं लगाता तो बिना ड्राइवर की स्कूल बस पहाड़ी से नीचे गिर सकती थी, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। ये 13 तारीख की है, धर्मशाला से वापस आ रहे थे और बीच रास्ते में ड्राइवर ने शौच वगैरह के लिए गाड़ी रोकी और कुछ बच्चे बाहर निकल गए, कुछ बच्चे गाड़ी के अंदर थे, जैसा कि मेरे को बच्चों ने और स्कूल प्रशासन ने बताया। उसके बाद जब बच्चों को स्कूल में सम्मानित किया कि मेडल दिया गया, तो मेरे को उस घटना का पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो मैं सहम गया कि इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई। तो उसके बाद स्कूल प्रशासन से मैंने पूछा कि इस प्रकार की घटना कैसे घट गई, तो स्कूल प्रशासन ने बताया कि ड्राइवर ऐसे शौच के लिए गया था और कोई 3-4-5 बच्चे जो थे वो गाड़ी से शरारत करने लगे और गाड़ी जो लिटल हो गई और पीछे की ओर जो है गाड़ी काफ़ी दूर तक सरक गई और मेरा बेटा जो मतलब थोड़ा सा उसको बाउंटिंग जैसी आ रही थी, एक पिछली सीट से उसके आगे वाली सीट में बैठा था, सेकंड क्लास सीट पर बैठा था, तो जैसे ही बच्चे ने शोर सुना अंदर से भी बाहर से भी, जैसे कि बच्चे ने बताया, तो बच्चा वहाँ से उठा और इसने क्विक एकदम जाके जो ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ गया और ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद इसने वहाँ पे ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते ही गाड़ी जो थी पहाड़ी के बहुत नज़दीक पहुँच गई थी, जैसा कि मेरे को बेटे और स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया है। मुझे इस स्थानीय का कार्य के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बेटे ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बड़ा बहादुरी का काम किया हुआ है और एक पिता को इससे बड़ी प्रसन्नता नहीं हो सकती कि मेरे बच्चे ने अपनी जान भी बचाते हुए और बच्चों की जान बचाई। लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल सरकाघाट में पढ़ने वाले प्रफुल्ल शर्मा ने बिना ड्राइवर बस को रोककर बस में बैठे बच्चों की जान बचाई थी। वहीं गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर में पहाड़ी धंसने के कारण 10 दिन तक सुरंग के भीतर फंसे मनीराम को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बीजेपी पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी संघ मंडी के महासचिव बालकृष्ण की ओर से आप सभी को पूर्व राज्यत्व और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला परिषद वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह की तरफ से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की पंडो ग्राम पंचायत उप प्रधान इंद्रजीत शर्मा की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मंडी वार्ड नंबर 7 के पार्षद जितेंद्र की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की बाड़ी घुमान पंचायत प्रधान लाभ सिंह की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नरेंद्र सैनी की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मंडी अध्यक्ष नीलम शर्मा की ओर से सभी प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़धार जिला परिषद सदस्य पूर्ण चंद की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला स्तरीय 66वां गणतंत्र दिवस उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बॉय स्कूल हमीरपुर के खेल मैदान में उत्साह पूर्वक मनाया गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैन्य और सुरक्षा बलों की वीरगति प्राप्त और सेवारत सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा है। 1950 के दिन हमारे देश ने अपने संविधान को अपनाया था, जिसके साथ भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना है। आज का दिन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और स्वयं को गणतंत्र के प्रति समर्पित करने का भी अहम मौका है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में करीब 3 साल पहले सत्ता संभाली थी और पहले ही दिन से कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया और सरकार ने चुनाव के दौरान किए हुए अधिकांश वायदे पूरे किए हैं। गणतंत्र दिवस चंबा जिला मुख्यालय में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक योजनाओं के बारे में जनसमूह को विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। सबसे पहले मुख्य अतिथि द्वारा झंडा फहराया गया, उसके बाद परेड में शामिल जवानों की सलामी ली गई। सन 1950 के शुभ दिन हमारे देश ने अपने संविधान को अपनाया था, जिसके साथ भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। भारत का संविधान हमारे देश को एक प्रमुख संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है तथा सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट,
बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, अर्लियर वर्किंग इन मांडव हॉस्पिटल, ओपन्ड न्यू हॉस्पिटल विद फर्स्ट टाइम मॉडर्न फैसिलिटीज इन द सेंटर एंड हार्ट ऑफ मंडी टाउन एट हॉस्पिटल रोड, नीलकंठ हॉस्पिटल। हियर 24-आवर इमरजेंसी फैसिलिटीज अवेलेबल। यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पेशल प्राइवेट रूम्स अवेलेबल। वी हैव ऑपरेशन थिएटर विद मॉडर्न एंड न्यू इक्विपमेंट्स। ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर ENT प्रॉब्लम। वी ट्रीट विद जेन्युइन चार्जेस। नीलकंठ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, साथ ही HP, TET, JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। भारत के 67वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उपमंडलीय स्तर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं SDM गौहर राघव शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गौहर पुलिस बल सहित गृह रक्षा छठी वाहिनी के जवान, NCC कैडेट्स, NSS कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने परेड में भाग लिया। वहीं SDM गौहर ने गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जो स्वतंत्रता हम प्राप्त कर रहे हैं वो उन परिवारों का बलिदान है जिन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है। नागरिक, आज भारत वर्ष के 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे लिए गर्व का और गौरवशाली दिन है और सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उन जवानों के परिवारों को जो हमारे देश की सीमाओं को की सुरक्षा कर रहे हैं और उन परिवारों को और उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। वही कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। के चैनल के लिए गौहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं। देश भर के साथ प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंडी सेरी मंच पर आयोजन मंत्री कर्ण सिंह ने ली परेड की सलामी। बहादुरी के लिए प्रफुल शर्मा को किया गया सम्मानित। बिना ड्राइवर बस रोक कर दिखाया था साहस। चार दशक बाद भी ठीक से नहीं हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फ ना पड़ने से पर्यटक हुए मायूस। और मंडी में संगतों ने धूमधाम से मनाया गुरुदीप सिंह का आगमन दिवस। संगतों ने कार्यक्रम आयोजित कर याद की गुरु की कुर्बानियां।